Hello children, how are you all? Today we are going to learn chapter number 4 edition worksheet. Today हम करेंगे worksheet. मैंने आपको एक करवा दिया है, फिर से हम उसकी worksheet करेंगे at the following. अभी यहाँ पर first है 5 + 2. तो हम मैंने आपको two types सिखाया था कि two methods से हम addition कर सकते हैं. तो 5 इसमें से small number कौन सा है? 5 and 2 में से तो 2, तो हमें only for 2 finger count करना है, 1 and 2. अभी 5 आपके नंबर कौन सा आता है? 6, 6 and 7, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7. ये हुई 1 method. अभी 2nd method में आपको सिखा दियो, circle वाली मैंने सिखाई थी, 1, 2, 3, 4, 5, and 2 है तो 2, and count together 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आंसर आ गया हमारा 7. तो 5 + 2 = 7. Next 9 + 1. तो 9 को हमें याद रखना है, small number is 1. हमें only for 1 को count करना है. तो 9 after 10. तो मैंने आपको 1 जब भी plus हो तो मैंने बोला था कि जो main number है उसमें 1 plus कर देना है, after number ही आता है. तो circle भी कर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1. अभी ये total कितने हैं? 9 after number is 10. हो गया 10. तो 9 + 1 = 10. Next 4 + 4, इसमें दोनों value same है, तो हमें कोई भी एक value होने देनी है finger पर. 1, 2, 3, 4. 4 ये बोल दिया तो 4 आफ्टर नंबर इज 5. 5, 6, 7, 8. 4 + 4 = 8. Now circle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. How many circles? 4. 4 आफ्टर नंबर इज 5, 6, 7, 8. Answer is 8. 4 + 4 = 8. Now 3 + 3. अभी हम circle करें. 1, 2, 3 and plus 3. 1, 2, 3. 3 + 3. 3 after number is 4, 5, 6. अभी finger पे ले, दोनों value same हैं, तो हम finger पे ले 1, 2, 3. अभी 3 after number is 4, 5, 6. तो 3 + 3 = 6. हमारा answer आ गया 6. Next है 5 + 3. तो small number 5 या 3, तो 3 number is a small. तो 3 को हम finger पे लेंगे, 1, 2, 3. 5 after number is 6, 6, 7, 8. 5 + 3 = 8. Now circle. 1, 2, 3, 4, 5 and 3. 1, 2, 3. 5 after number is 6, 7, 8. 5 + 3 = 8. Next 6 + 6. तो अभी हम दोनों value दीजिए क्या है, same है, तो only for 6 हम finger पे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 after number is 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 12. Circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 after 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 6 + 6 = 12. अभी ये 0, 0 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि जब भी 0 के साथ हम प्लस करें तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होता है, तो जो मेन वैल्यू होती है वही सेम आता है. तो 0 + 9, तो कौन सी वैल्यू आएगी? 9 ही आएगा. हमारा आंसर क्या आएगा? 9. कोई चेंज होगा नहीं. नेक्स्ट 3 + 4. तो स्मॉल डिजिट इज अ 3, तो 3 को हम फिंगर पे लेंगे, 1, 2, 3. अभी 4 आफ्टर क्या आता है? 5, 5, 6, 7. आंसर हमारा होगा 7. अभी हम सर्कल का यूज करेंगे, 1, 2, 3,
So 3 plus 4 is equal to 7. अभी है 1 plus 6. तो मैंने 1 का भी कॉन्सेप्ट दिया था, तो आपको सिखाया था कि जो डिजिट नेक्स्ट होता है उसका आफ्टर नंबर प्लस हो जाता है. तो 6 plus 1 is equal to 6 आफ्टर नंबर is